चैप्टर 12 साझेदारी, इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, जब कोई व्यवसाय शुरू किया जाए और उसमें कई लोग मिल करके उस व्यवसाय को शुरू करें तो वो साझेदारी कहलाता है। फिर उसमें क्या होता है, मुनाफा मिलता है, यानी लाभ प्राप्त होता है लास्ट में, और उस लाभ को फिर लोग जितना जितना अंशदान था तो उसका फिर वो जितना भी प्रॉफिट होता है अलग अलग व्यक्तियों को मिलता है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, राम है, श्याम है, मोहन, तीन लोगों ने एक व्यवसाय शुरू किया। राम ने 100 रुपये ऐड किया, सोहन ने 200 रुपये और मोहन ने 400 रुपये ऐड करके व्यवसाय शुरू किया, यानी 4 2 6 700 रुपये इन्होंने लगाया और व्यवसाय शुरू कर दिया। और ये 1 ईयर के था, कोई भी पार्टनरशिप शुरू की जाती है, व्यवसाय शुरू किया जाता है, तो 1 ईयर का टाइम, 2 ईयर का, 3 ईयर का, ये डिपेंड करता है कितने साल तक हम साथ में रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 साल तक इन्होंने काम किया और साल के अंत में, वर्ष के अंत में 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टोटल कुल लाभ हुआ है। तो अब इस लाभ को हमें क्या करना है, सभी को देना है। इस लाभ में सभी की हिस्सेदारी है ना, तीनों लोगों की, तो किस व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा उसको हम पार्टनरशिप के अंतर्गत समझेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो भी रुपया होगा व्यक्तियों का उनका हम अनुपात निकालेंगे, पहला काम रेशियो, और पार्टनरशिप उसी से बनेगी जिससे अनुपात बनेगा। तो पहले आपको अनुपात सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ अनुपात में रख दिए, अब सभी को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, अगर कटे तो, ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 इनका क्या हो गया, अनुपात हो गया। फिर ये लाभ को याद रखना है कि लाभ तीनों का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनुपात का योग ज्ञात करेंगे, योग, अयोग मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, क्या होता है, जोड़, योग का अर्थ जोड़ होता है, जिनको जोड़ेंगे, 4 2 6 1 क्या हुआ, 7, अनुपात कितना हुआ, 7 हो गया। तो अब ये 1400 रुपये रखेंगे, ठीक है, इंटू रखेंगे पहले व्यक्ति ने जितना पैसा लगाया, कितना, 100, तो हम उसका 100 नहीं लिखेंगे, उसका अनुपात लिखेंगे, कितना अनुपात था, 1। ठीक है, अब बटे कितना आया योग, 7, आगे समझ में, व्यक्ति का अनुपात बटे कुल अनुपात का योग। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 1400, यानी पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपए। 1400 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ तो उसमें पहले व्यक्ति को जो हिस्सेदारी हुई 200 रुपए की हुई, फायदे में रहा व्यक्ति, क्यों, 100 रुपए लगा के व्यवसाय शुरू किया तो 100 रुपए प्रॉफिट पा गया। अब दूसरे को देखते हैं, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी 1400 × दूसरे व्यक्ति का अनुपात कितना है, 2, तो 2 बटे अनुपात का योग क्या है, 7, फिर से काटिए, 7 × 14 = 200 हुआ, और 2 का जब 2 में गुणा किया तो कितना आया, 400, तो दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिले, 400 रुपए, इसको भी 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आए समझ में। फिर इसी प्रकार से हम तीसरे व्यक्ति को का योगदान निकालेंगे और उसका प्रॉफिट, तो 400 रुपए लगाया था और उसका अनुपात क्या है, 4, कितने में, 1400 में, 1400 × 4/7, 7 × 14 = 200, 4 × 8 800 रुपये इस व्यक्ति को मिले, तो इसको भी कितने का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का, आया समझ में। अब इसको हम अगर जानना चाहें कि हमने जो कैलकुलेशन निकाला वो सही है कि गलत, तो इनका प्रॉफिट आपस में ऐड करिए और करने के बाद चेक करिए क्या जितना योगदान पहले था लाभ का वो आ रहा कि नहीं, तो 2 × 4 = 2 = 6 + 8 = 6 = 1400 आ रहा ना आंसर, 1400 का लाभ हुआ, समझ में, पार्टनरशिप ये होती है। तो इस चैप्टर को आप समझ करके आप अपने जीवन में भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यदि आपके पास पैसा ना हो तो किसी से सहयोग करके, हाँ सहयोग कर लेंगे अगर सामने वाली पार्टी होशियार है और आप मूर्ख हैं तब तो लूट लेगी आपको, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साझेदारी को समझते हैं, तो जितना पैसा लगाएंगे, जितने समय के लिए लगाएंगे, लास्ट में जो प्रॉफिट होगा तो उसको इस तरीके से निकाल लेंगे कि भाई तुम्हारा हिस्सा इतना है और हमारा हिस्सा इतना, समझ रहे हैं। तो आप बड़े बड़े पार्टनरशिप, बड़े बड़े बिजनेस चलती हैं, ऐसे ही चलती पार्टनरशिप पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन, राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया, ठीक है, पूंजी में उनका अनुपात पहले से ही अनुपात दिया, ठीक है, वो तो क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया अनुपात नहीं दिया था तो निकालना पड़ा, लेकिन यह अनुपात पहले दिया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है। यदि इनका वार्षिक लाभांश, देखो 1 साल में लाभ कितना मिला, 21,000 रुपये का, तो कमल का लाभांश क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला वही नियम,
अप्लाई करेंगे, अनुपात का योग करेंगे हम, ठीक है। तो जब योग करेंगे तो 3 और 7 कितना हुआ 10, और 10 4 कितना हुआ 14, अनुपात कितना आया 14 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कमल वश का, ध्यान रखना कमल का बोला तो कमल पे डिपेंड करते हैं। देखो राम श्याम कमल यानी तीसरा व्यक्ति जो है कमल है, तो कमल का अनुपात क्या था 7, कुल अनुपात कितना है 14, अनुपात का योग इंटू कितने रुपए का लाभ हुआ 21,000 का, तो 21,000 के इंटू करिए, इसको डिवाइड करिए, ठीक है। तो 7 × 14 7 × 21 आगे समझ में, 7 × 21 30, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 1500, ठीक है। अब जितना बचा है उसको आपस में इंटू कर दीजिए, तो 15 × 7 15 × 7 105 हुआ, और 20 इसने, तो इस व्यक्ति को 21,000 रुपये में कितने का लाभ हुआ 10,500 रुपये इसने कमाए। आया समझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10,500। पूरा समझ में आ गया, बहुत ही मस्त टॉपिक है साझेदारी, ठीक है। और आर्मी जीडी में सिर्फ पहली टाइप आती है, पहला टाइप ही है जो सबसे इजी टर्म होता है साझेदारी के ही है, फिर से थोड़ा लेवल बढ़ता है तो आपको पूरे इजी इजी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यापार में कपिल व अवतार ने, दो व्यक्ति इस बार हैं, ने क्रम से 1300 और 1400 रुपए लगाए और अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ, तो बताना है कपिल को कितना लाभ हुआ। आज में तो क्योंकि इसमें अनुपात नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों लोगों के जो रुपए हैं उनका क्या निकालेंगे आप, अनुपात निकालेंगे। कट गया 0,0, अनुपात क्या है 13:14। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, योग जोड़िए 4 × 3 = 7 = 1 = 2 27 योग आ गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे निकालना क्या है, कपिल वश से डिपेंड मतलब है आपको, तो कपिल ये नंबर फर्स्ट पे है तो अनुपात पहला वाला कपिल का होगा, आगे समझे, ठीक है। तो 13 योग कितना दिया है 27, 13/27 इंटू क्या लिखेंगे 675, आगे समझे। अब इनको डिवाइड कर दीजिए और आंसर पा जाइए, तो इसको काटते हैं 3 × 3 = 6 3 × 6 = 3 × 5 = 15, ठीक है, और 3 × 9 = 27, फिर से काटिए 9 × 2 = 18, ठीक है, और 9 × 5 = 45, 13 × 25 सब कर लीजिए 13 × 25, ठीक है, तो 13 × 5 = 65 और 13 × 26 = 32, 325 रुपये इसका आंसर आएगा, मतलब कपिल को जो रुपए हासिल है वो कितने मिले 325 रुपए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, तो क्योंकि इसने कपिल का पूछा था लाभांश कितना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अवतार को कितना मिला होगा, तो आपको सॉल्व करके बताना है और कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, आगे समझ में। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं दे भी देता हूं, राम और रोहन ने एक व्यवसाय शुरू किया, राम ने 800 रुपये लगाया और रोहन ने 700 रुपये लगाए, ठीक है, दोनों व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में इन लोगों को 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है राम और रोहन, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब लाभ, राम और रोहन को कितने कितने रुपए प्राप्त हुए, जो लाभ मिला उसमें कितने कितने हासिल हुए, तो आप इनको सॉल्व करिए और इसका आंसर जो है जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापार शुरू करने के लिए ABC 3 व्यक्ति लगे हैं इस बार, क्रमशः 45,000 90,000 फिर 90,000 निवेश किए, काफी पैसा लगाए लो, दो वर्षों के बाद इन्हें 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बताना है सी का हिस्सा कितना था, ठीक है। फिर से वही, क्योंकि अनुपात दिया नहीं, जब अनुपात नहीं दिया तो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, तो 45,000, ठीक है, फिर है 90,000, ठीक है, उसके बाद है आपका फिर से 90,000, ठीक है, और सभी का ए हुआ, ये बी का है और ये सी का अनुपात। अब इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके अनुपात 3 × 0 3 × 0 3 × 0 कट गए, फिर 45 × 1 = 45 45 × 2 = 90 और 45 × 2 = 90 ये भी कट गया, पूरा लोवेस्टर में कन्वर्ट कर देना, पूरा सरल से सरल कर देना।
अब अनुपात का क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, योग जोड़िए, दो दो चार एक पांच, ठीक है। अब डिपेंड करता है किसका मुझे लाभ ज्ञात करना है, सी का, तो सी डिपेंड करता है, ये सी है और सी मतलब थर्ड वाला, तो इसका अनुपात क्या है दो, अनुपात का योग क्या है पांच और लाभ कितना मिला है इतना 1,64,000 रुपए। इसको आपको डिवाइड कर लेना है, पांच से डिवाइड करिए, ठीक है। तो पांच ते 15, एक बचा तो 14, तो 5 × 2 = 10, फिर 4, 5 × 8 = 40 और 00, ठीक है। फिर जितना रुपया आया है उसमें 2 का इंटू कर लो, कहाँ से 2 आए, ये बचा था, इंटू करिए तो 2 × 0 = 0 हुआ, 0, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 = 5 और 2 × 3 = 6, 6, 5, 6, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सी का जो लाभांश था 6,56,00, ठीक है। चलिए ठीक है, सी तो प्राप्त हो चुका है, मैं आपसे पूछता हूँ ए का हिस्सा क्या हुआ होगा, तो आपको ए का हिस्सा कमेंट करना है, ठीक है, हम देखते हैं आपसे कितना बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है किसी साझेदारी में ABC क्रमशः 3800, फिर 4000 व 4200 निवेश करते हैं, 1800 के प्राप्त लाभ में बी का लाभांश, तो ये आप करेंगे क्योंकि सेम टू सेम तीसरे क्वेश्चन के जैसे, ठीक ना। तो इसको आपको कमेंट्स करना है, साथ ही साथ ए और बी के भी हिस्सेदारी कमेंट्स करनी है, कितना कितना प्राप्त हुआ एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संयोग किरण किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली, एक वर्ष के अंतर में लाभ तीनों में बांटा गया, यदि किरण का लाभांश इतना है तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो पहले हम सभी का अनुपात निकालेंगे, थोड़ा ही क्वेश्चन हट के है इस बार, जो है टोटल लाभ नहीं दिया है, कुल लाभ नहीं दिया है, इस बार एक व्यक्ति का लाभ भर दे दिया है और पूछ लिया कि कुल लाभ कितना निकालें, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। चलिए पहले तो हम अनुपात निकाल लेते हैं, ये किरण का हो गया, संयोग का ही, फिर किरण के लिए कितना है 81,000 और किशोर बाबू के लिए है 72,000 रुपये, ठीक है। अब इनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो तीनों के 0, 3 गए, ठीक है, बचा कितना 27:81:72, मे भी ये 9 से कटेंगे सभी, 9 × 3 = 27, 9 × 81 = 72, ठीक है, इतना आ गया। अब इनका योग, अगला स्टेप अनुपात निकालने के बाद योग जरूर करना है, तो 9 × 3 = 12, 8 कितना हुआ 20, ये आपका आ गया योग अनुपात का। कुल लाभ पता करना है, तो मान लेते हैं कि मानक कुल जो लाभ है वो एक्स है, मानक कुल लाभ एक्स लेंगे, ठीक है। और मिला क्या, किरण को लाभ प्राप्त हुआ, तो किरण का लाभ इज इक्वल टू, ठीक है, कुल लाभ फार्मूला इनटू किरण का अनुपात जितना था किरण के रुपए का अनुपात बटे अनुपात का योग। तो किरण को लाभ कितना प्राप्त हुआ, लाभ है 36,000, कुल लाभ कितना ₹1 इंटू किरण के लिए अनुपात क्या था, ये किरण है या किशोर है, तो कितना है 9 और योग कितना है 20, आया समझ में। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर पा जाइए, तो 36,000 इंटू 20 ऊपर आ गया ये, ठीक है, और 9 नीचे आ गया, अपॉन 9 = x, तो 9 से काटिए, 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 0, 1, 2, 3 इंटू करिए, तो 4 × 2 = 8 हुआ, 3 × 0 = 1 और ये 1, तो 4 × 0 टोटल, तो x की वैल्यू क्या हुई 10,000 रुपए कुल लाभ प्राप्त हुआ था, जिसमें से किरण को 36,000 रुपए मिले थे, आगे समझ में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, संयोग को कितने रुपए मिले होंगे आपको बताना कमेंट्स करके, क्योंकि
आपके पास कुल लाभ इतना दिया है, अनुपात सभी का दिया हुआ है, देखिए तो आपको बताना है संयोग को कितने रुपए मिलेंगे, कमेंट करिए, देखते हैं आपको समझ में आ गया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, समझ में आ गया ना। एबीसी ने एक लघु व्यापार प्रारंभ किया या आरंभ किया। ए ने व्यापार निवेश सिद्ध हुए कुल पूंजी में 1/5 का योगदान दिया। बी और सी ने बराबर योगदान दिया। वर्ष के अंत में 5200 रुपए का लाभ हुआ, तो सी का लाभ कितना था। ठीक है, तो इसमें अभी क्या दिया है, योगदान तो दिया है, सभी की हिस्सेदारी नहीं, अनुपात नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, एबीसी ने लघु व्यापार प्रारंभ किया, ए ने व्यापार निवेशित हुए कुल पूंजी में 1/5, तो हम मान लेते हैं कुल जो पूंजी है वो यक्स है, कुल पूंजी क्या थी, यक्स थी, और ए का जो हिस्सा है यक्स का क्या है, 1/5, तो यक्स 1/5 आगे सर। तो हमें क्या करना है, बी और सी ने बराबर योगदान किया है, तो बी बराबर सी। ठीक है, तो हम इसमें निकालते हैं बी का हिस्सा या सी का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो क्योंकि इन्होंने बराबर योगदान दिया तो आधा आधा आएगा। ठीक है, तो 1/2 फिर ब्रैकेट यक्स, यक्स मतलब टोटल था। ठीक है, इनमें से ए का हिस्सा कितना है, 1/5 है, आए समझ में, इस टोटल में से यक्स का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 1/5, तो फिर बी और सी का बराबर हिस्सा आएगा, तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ यक्स कुल था, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 1/5 घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि शेष कितना बचा, तो चलिए करते हैं, 1/2, 5 × 5x − x/5 बराबर 1/2 × 5x में एक ज्ञात, कितना हुआ, 4x/5 डिवाइड हो तो काटिए, 2 आया, 2x/5 आया, ये किसका हिस्सा है, चाहे बी का ले लो चाहे सी का, तो मैंने यहाँ सी लिखा था ना, और क्योंकि आप जानते हैं इसमें बोला है पहले ही बी और सी क्या है, बराबर के हिस्सेदार हैं, तो b = c = 2x/5। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, मतलब c का अनुपात कितना हुआ, 2x/5। अब तो बोला है c का लाभ में कितना हिस्सा है, सिर्फ c से मतलब है, तो c का लाभ में हिस्सा, तो c बराबर लिखेंगे, इसके बाद टोटल वैल्यू ले लेते हैं कितना दिया गया है, यहाँ पे c निकालते हैं, c की हिस्सेदारी हुई, कुल कितना था, यक्स। ठीक है, अनुपात ये 2x/5 अपॉन कुल कितने, कुल पूंजी कितनी थी, यक्स। ठीक है, इनटू लाभ कितना मिला है, 5200 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद इनको डिवाइड कर दीजिए, तो यक्स से यक्स कट गया। ठीक है, बचा कितना, 2/5 × इतना, 5 काटिए, तो 5 × 5 = 20, जितना बचा उसका इंटू करिए, तो 2 × 9 = 2 × 8, ये 2080। ठीक है, सी का जो हिस्सा था लाभ में कितना था, 2080 रुपए। आगे समझ में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।